प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुढ़ा पांडे क्षेत्र के गांव झोझा की मिलक में उस समय हड़कंप मच गया जब छेड़छाड़ के मामले को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जी हां, इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष के दबंग युवक मारपीट के बाद मौके से ही फरार हो गए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। जी हां, ग्रामीणों की मदद से घायलों को पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मुढ़ा पांडे में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला झोंझा मिलक गांव का है, जहां पर छेड़छाड़ को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत प्रार्थी चंद्रपाल ने उच्च अधिकारियों व मुंडा पांडे थाने में लिखित में दी थी, लेकिन चंद्रपाल की शिकायत पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। दूसरे पक्ष ने पीड़ित चंद्रपाल की बेटी से कुछ दिन पहले छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़ित चंद्रपाल ने दबंगों से छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने चंद्रपाल के परिवार को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट पीट कर घायल कर दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, लेकिन मौके पर मुंडा पांडे थाना पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद सूचना के बाद मौके पर डायल 100 पहुंच गई और सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से उठाकर स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि यह छेड़छाड़ का मामला काफी समय से चलता आ रहा था, जिसमें पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी और प्रार्थी ने इंसाफ की गुहार उच्च अधिकारियों से भी लगाई थी, जिसमें गरीब चंद्रपाल के किसी अधिकारी ने एक ना सुनी, जिसमें पीड़ित चंद्रपाल ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो जिसका नतीजा चंद्रपाल को पिटाई खाकर नतीजा भुगतना पड़ा। जी हां, जिसमें पीड़ित परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हैं और घायलों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें पीड़ित परिवार ने पिटने के बाद मुरादाबाद के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से इंसाफ की गुहार भी लगाई है, जिसमें अब देखना यह होगा कि मुरादाबाद पुलिस प्रशासन और थाना मुंडा पांडे पुलिस दबंग युवकों को कब तक गिरफ्तार करती है, या फिर यूं ही दबंग युवक पुलिस की आंखों में आंखें डालकर खुलेआम घूमते रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने कहा कि मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या मामला, कैसे झगड़ा हुआ? आपके साथ जी? फिर लड़ोरी में गिरा लिया था, फिर मम्मी मारी थी, उसके बाद हम मारे थे। कौन लोग थे वो, क्या का नाम है उनके? कितने समय से परेशान कर रहे हैं आपको? हम 6 महीने हो गए। शिकायत की इससे पहले आपने कभी? कई बार कर दी, हिंजा भी करी थी, मुड़ा भी करी थी, मुरादाबाद में भी करी थी, कन्या भी नहीं सुनी हमारी, कहीं सुनवाई नहीं हुई नहीं। आज कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? आज तो 5 है। आज भी कोई विवाद छेड़छाड़ी का विवाद था क्या? छेड़छाड़ी की तो कोई बात ही नहीं, आज तो लड़ाई की कोई नहीं। आ तो जिगरों के पीछे बैठी थी, वे हमारी रस्सी काट रहे, हम बांध रहे। ठीक जी, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। कहाँ के निवासी हैं आप? झोंझा मिलक। क्या मामला हुआ, ये सब क्या, कैसे चोट लगी आप लोगों को? चोट का जी पहली चीज चल रही थी। पहले क्या हुआ? हमारी लड़की के साथ में छेड़छाड़ करी थी इन्होंने। किसने, कौन कौन लोग हैं वो? कौशल, रिंकू। और बताइए, दो जने थे छेड़छाड़ में? हाँ, दो जने थे। फिर क्या हुआ उसमें? फिर क्या, फिर उन्होंने हमें मारने की भी धमकी दी, फिर हमने ऊपर भी कार्रवाई करी थी, हमारी सुनाई कहीं नहीं आई थी। अच्छा, थाने में? थाने में भी नहीं। आज क्या हुआ सुबह? आज सुबह हम चाय पाय पी रहे थे, लड़की हमारी गोद डालने आई थी, उन्होंने फिर वो ही काम किया। क्या काम किया? छेड़छाड़ लड़की से? हाँ। फिर हम चाय पानी पी रहे थे, हम आए, तुमने क्या हुआ, इस देर में हम सहरे धरपट के। अच्छा, लड़की जब चिल्लाई, जब हम आए थे भाग के, तो फिर डंडा चालू कर दी उन्होंने। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? 5। 5 लोग घायल। उन लोगों को क्या नाम है जिन्होंने मारा आपको? दयाराम, ओम प्रकाश, पोसाकी, भीमसेन और ओम प्रकाश। अब कौन लेकर आया यहाँ पर आपको? 100 नंबर। खेखानी को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया, क्या मामला है, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की गई? ये झोंडा का मिलक ग्राम है मुंडा पांडे क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें एक आज मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए,
जिसके पूर्व के प्रकरण में जानकारी हुई कि इनके बीच में आपस में पहले से ही एक जमीन का विवाद था और आज इन्होंने छिड़कानी को भी लेके एक आरोप लगाया है, जिसके अंतर्गत फिर एक मुकदमा लिखा जा चुका है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर मेडिकल भी कराया जा चुका है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 4 लोग घायल हैं। सर घायलों का आरोप ये है कि विगत 3 माह पूर्व ये घटना कारित की गई थी, उस वक्त भी पुलिस द्वारा शिकायत की गई लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज भी मारपीट के बाद क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस नहीं पहुंची मौके पर। 100 डायल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। CSC 100 डायल सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ सोर्स होता है, जब भी कॉल की जाती है तो 100 डायल पहले पहुँचती है, तो उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिस्पॉन्ड किया है। बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें संज्ञान में लिया जा रहा है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी? अभी मुकदमा लिखा गया है और इसमें जैसी धाराएं हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई करते हुए जो भी चीज़ बनती है वो की जाएगी। ठीक 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 थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।